आज दिनांक 6 मई 2020 को बबीता शर्मा ने पुलिस प्रशासन को दुपट्टा डालकर सम्मानित किया तथा इस मौके पर बजरिया चौकी प्रभारी श्रद्धा पचौरी को भी सम्मानित किया और बताया कि हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अगर आपको कोई जरूरी काम है तभी आप घर से निकलें, बिना मास्क के घर से ना निकलें, सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा और पुलिस प्रशासन को सम्मानित किया। इस मौके पर मौजूद रमेश शर्मा, नितेश सिंघल, भूपेंद्र और बीरेंद्र देशवाल, राजकुमार शर्मा आदि और लोग मौजूद रहे। भरतपुर से संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट। ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अपने घरों को, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के हम लोगों के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। हमें पूरा पूरा प्रशासन का साथ देना चाहिए और प्रशासन के साथ मिलकर हमें काम करना है। हम लोगों ने आज कई जगह पुलिस कर्मियों का स्वागत किया, उनको ठंडाई बनाई और ठंडाई पिलाई, पानी की बोतलें बांटी। लास्ट हमारा ऑप्शन रेलवे स्टेशन बजरिया चौकी पर था, जहाँ श्रद्धा जी एक महिला होने के नाते, हमारे भरतपुर में दो ही महिला ऐसा ही है, एक गीता शर्मा जी, एक श्रद्धा जी। तो हमने ये सोचा कि हमें अपनी महिलाओं का भी पूरा सम्मान और उसका ख्याल रखते हुए हम यहाँ पर आए। हमने श्रद्धा जी के साथ पूरी टीम का स्वागत किया। दीपा जी अपने कर्फ्यू क्षेत्र में, तो उनका हम नहीं कर पाए, तो उनसे हम माफ़ी चाहते हैं। जिस दिन भी हम उनके कर्फ्यू में से वो बाहर होंगी तो हम उनका सम्मान करेंगे। और हम ए ब्लॉक वार्ड नंबर 43 के सभी लोग पास ही हैं और हम लोगों ने वार्ड नंबर 43 से ये मिलकर के प्रोग्राम किया है और आने वाले समय में भी हम लोग वार्ड नंबर 43 से सब लोगों की हेल्प और मदद करेंगे। धन्यवाद।